दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और आप मानो या ना मानो, हम लड़कों के जीवन में जो चीज सबसे मेजर फर्स्ट इम्प्रेशन डालती है वो है हमारे बाल, यानी कि हमारा हेयर स्टाइल। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जब भी आपके सामने कोई आए या आप कभी फ्रंट कैमरा के सामने होते हो, सबसे पहले आपका हाथ अपने बालों पे ही जाता है। दरअसल हम मेन का ये मानना होता है कि हम अपना अपीयरेंस और अपना फेस लुक अपने बालों से सुधार सकते हैं, जिसमें कुछ लोग तो सफल होते हैं और कुछ लोग का ये हाल होता है। आई होप आपने इन तस्वीरों को ध्यान से देखा होगा। चलो सच सच बताओ, इन फोटोज को देख के आपके मन में सबसे पहला शब्द क्या आया? छपरी, है ना? अब इन लोगों का हेयर स्टाइल इतना गंदा इसलिए लगता है क्योंकि ये कभी भी अपने फेस कट के हिसाब से कटिंग नहीं करवाते और ना ही इन्हें अपने बालों और लुक्स का ठीक तरह से ख्याल रखना आता है। दोस्तों जिस तरह हम अपनी बॉडी की बेटर कंडीशन के लिए अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसे शेप में रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने बालों का और अपने हेयर स्टाइल का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने फेस कट के हिसाब से एक ऐसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए जिसको देख के लोग बोलें, वाह क्या हेयर स्टाइल है। लोगों ने कुछ ऐसा ही कहा था 21 साल पहले आई इस मूवी को देखकर, जिसने उस समय की पूरी जनरेशन का हेयर स्टाइल चेंज कर दिया था। ये इमेज देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ। तेरे नाम मूवी में सलमान भाई का हेयर स्टाइल सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों की भी फर्स्ट चॉइस बन चुका था। उस समय हर कोई ये हेयर स्टाइल चाहता था क्योंकि सलमान भाई के चेहरे पर ये फेस कट बहुत सूट कर रहा था और एक अल्फा मेल कैरेक्टर की निशानी था जो सही के साथ सही, गलत के साथ गलत करने का दम रखता था। इस हेयर स्टाइल पे सलमान खान का लुक, उनकी स्माइल और उनकी टोन परफेक्टली सूट कर रही थी। पर वही मूवी के नेक्स्ट हाफ में आप सबको पता ही है कि क्या हुआ था, उन्हें ये लुक दिया गया। आप खुद बताओ, एक अल्फा मेल कैरेक्टर को अगर ये लुक दे दिया जाए तो क्या आप इसे देखना पसंद करोगे? मैं आज भी लिख के दे सकता हूँ, स्टोरी में काफी दम था इसीलिए पब्लिक ने इस लुक को एक्सेप्ट कर लिया, वरना अगर उस जमाने में इंस्टाग्राम और फेसबुक होता तो सलमान खान के मीम्स बन जाते। आज का ये इंस्टाग्राम का जमाना हार्दिक पांडे और विराट कोहली को नहीं छोड़ता, तो भाईजान कहाँ बचने वाले थे। और आजकल जिस हिसाब से ट्रेंड और कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, हम सभी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम भी अपने लिए एक बेटर और अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल चुने। तो अगर आप भी एक बेस्ट हेयर स्टाइल चाहते हो, आप भी ऐसा सोचते हो कि मैं जब भी सोसाइटी में निकलूं तो लोग मेरे हेयर स्टाइल के दीवाने हो जाएं, तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज आपका साथी मिस्टर प्रोटॉन आपको ऐसे बेस्ट हेयर स्टाइल्स और ग्रूमिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला है जो आपको एक अल्फा मेल बनाने में हेल्प करेगा। अब अक्सर आप में से बहुत से लड़कों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने किसी फेवरेट सेलिब्रिटी या क्रिकेटर को देख के सोचा होगा कि चलो यार मैं भी शाहरुख खान जैसा हेयर स्टाइल रखता हूँ। और जैसे ही आप ऐसा कुछ अपने बालों के साथ करते हो और सोचते हो कि मैं भी अब से ऐसा बन जाऊंगा, लेकिन बन कुछ ऐसे जाते हो और ऐसे में आपके पूरे फेस का लुक खराब हो जाता है। और जैसा आपने सोचा था कि आपको इस लुक में देखकर लड़कियां आपके पास खींची चली आएंगी, उसका ठीक उल्टा हो जाता है और वही लड़कियां आप पर हंसना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने हेयर टाइप और उसके टेक्सचर को समझना जरूरी है। और वो समझने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर आप किसी पार्टी, मीटिंग, क्लबिंग या अपनी क्रश के साथ डेट पे हो तो हेयर स्टाइल तो आप इस वीडियो को देख कर उस हिसाब से हेयर कट करवा लोगे, बट आपकी फ्रेग्रेंस भी तो क्लासी होनी चाहिए। अगर आप स्मेल ही अच्छा नहीं करोगे तो क्या लगता है, वुड यू अट्रैक्ट एनीवन? इसलिए आई वुड सजेस्ट ला फ्रेंच ऊद परफ्यूम सेट, जिसमें आपको मिलती है चार परफ्यूम्स ऑफ ला फ्रेंच इन 20 ml, जिसमें है ऊद वुड फॉर बोल्ड वुडी अरोमा, अलहसान फॉर एसेंस ऑफ एलिगेंस, रोमांस ऊद फॉर एसेंस ऑफ रोमांस एंड एडवेंचर ऊद फॉर एडवेंचर इन एवरी स्प्रे। यानी कि आपका मूड और आपकी फ्रेग्रेंस एक साथ। ला फ्रेंच परफ्यूम गिफ्ट सेट की फ्रेग्रेंस सब प्रीमियम और इम्पोर्टेड परफ्यूम जैसी हैं। ये ब्रांड मेड इन इंडिया है, लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ प्रीमियम फील, वो भी एकदम कम बजट में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑल्सो ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, मतलब कि मेन वुमेन कोई भी इसे यूज कर सकता है। और अगर किसी को कुछ अच्छा गिफ्ट करना हो तो ला फ्रेंच ऊद गिफ्ट सेट से अच्छा क्या ही होगा। और अगर आपको इनमें कोई स्पेसिफिक मिनिएचर ज्यादा अच्छा लगे तो आप उसका लार्ज वेरियंट भी ले सकते हैं। So, get these amazing 4-in-1 perfume set from the description and pinned comment. अब दोस्तों नॉर्मली एक मेल के चार तरह के हेयर टेक्सचर होते हैं। First, straight, यानी पतले और थिन बाल। Second, a little wavy to more wavy. Third, curly. Fourth, coily. और चार तरह की ही लेंथ भी होती है बालों की। Short, medium and long. अब बाल जितने पतले, स्ट्रेट या फ्लैट रहेंगे
विच इज टाइप 1, उतना छोटे बालों के अंदर आप टेक्सचर पार्टीशन और स्टाइलिंग अच्छे से कर पाओगे। वहीं जितना बाल हैवी हो जाता है, जैसे कि कर्ली, कॉयली या वेवी, तो उतने सेम छोटे बालों में आप टेक्सचर पार्टीशन नहीं कर पाओगे। इसलिए जिनके भी पतले, थिन या स्ट्रेट बाल हैं, उनके लिए शॉर्ट और मीडियम शॉर्ट जैसी हेयर लेंथ बेस्ट होती है। वहीं अगर थिन और स्ट्रेट बाल वाले लोग अगर लॉन्ग हेयर लेंथ रखते हैं तो वो उनके ऊपर बिल्कुल खराब लगती है, क्योंकि बाल पतले और लंबे होने की वजह से उनके हमेशा स्कैल्प दिखता रहता है, जो उन्हें कूल नहीं, फूल दिखाता है। अब जिनके टाइप 2 और 3 यानी कि वेवी और कर्ली हेयर टेक्सचर्स होते हैं, उनके लिए मीडियम शॉर्ट हेयर लेंथ सबसे वर्स्ट हेयर लेंथ बन जाती है, क्योंकि वो हेयर लेंथ इनके हेयर टेक्सचर में अटक कर रह जाती है। इसलिए अगर आपके भी ऐसे बाल हैं तो आपको ये लेंथ अवॉइड करनी चाहिए और अपने लुक्स को बेटर बनाने के लिए मीडियम और लॉन्ग लेंथ के हेयर को मेंटेन करना चाहिए। वहीं अब टाइप 4 के हेयर टेक्सचर यानी कि कॉयली हेयर की बात की जाए तो ये उतना कॉमन नहीं है इंडिया में, लेकिन स्टिल इन्हें मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको लॉन्ग हेयर लेंथ रखनी है तो हल्के से ड्राई रखने पड़ेंगे और साथ ही इनके डैमेज कंट्रोल पे भी आपको ध्यान देना होगा। वहीं इस टाइप के हेयर के लिए शॉर्ट हेयर लेंथ सबसे बेस्ट हेयर लेंथ में से एक मानी जाती है। अब बहुत से लड़कों का ये कहना होगा कि शॉर्ट हेयर स्टाइल तो कई लोगों पर बहुत सेक्सी लगता है, मैंने सिर्फ कॉयली हेयर के बारे में ही क्यों बोला ये? तो दोस्तों, शॉर्ट हेयर आर सेक्सी, लेकिन बहुत ही रिस्की जोन है ये, क्योंकि शॉर्ट हेयर स्टाइल के अलावा जितने भी हेयर स्टाइल होते हैं ना, वो या तो आपके फेशियल फीचर्स को बैलेंस करते हैं या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। लेकिन वही बात अगर शॉर्ट हेयर लेंथ की आती है तो आपके फेस में ट्रिपल एफ 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 इफेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट एफ का मतलब है फीचर्स ऑफ फेस। अगर आपके ईयर्स और नोज स्लिम होंगे तो शॉर्ट हेयर आप पे सूट करेंगे, लेकिन अगर आपके फेस, ईयर्स और नोज ज्यादा ब्रॉड होंगे तो उन्हें बैलेंस करने के लिए सर पे हैवी हेयर होने चाहिए। इसके बाद है सेकेंड एफ, जिसका मतलब है आपका फोरहेड। अगर आपका फोरहेड पे कोई कट है या आपका फोरहेड थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो शॉर्ट हेयर आप पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इसके अलावा हमारा तीसरा एफ है फेशियल फैट। तो अगर आप इस फेस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके फेस पे मीडियम शॉर्ट हेयर कितने ज्यादा सूट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनके हेयर को मीडियम शॉर्ट से चेंज करके शॉर्ट हेयर कर दिया जाए तो आपको ये कुछ ऐसे देखेंगे, जिसमें आपका सारा फोकस इनके फेस फैट पर जाएगा। इसीलिए जिनका फेस फैट ज्यादा होता है उन्हें कभी भी शॉर्ट हेयर नहीं रखने चाहिए, और जो लोग ये ट्रिपल एफ फीचर को समझ जाते हैं वो अपने हेयर स्टाइल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। अब जब आपने बालों के टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ ही लिया है, तो चलो अब वक्त आ गया है कि आपको मैं ये बताऊं कि आप कैसे अपने फेस कट के अकॉर्डिंग अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन करके अपनी एक डैशिंग और स्टाइलिश पर्सनालिटी बना सकते हो। जैसे लड़कियां मेकअप करके अपने ब्यूटी को और भी बढ़ा लेती हैं, ठीक वैसे ही एक लड़के का परफेक्ट हेयर स्टाइल उसके लुक्स को और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि आपको हमेशा अपने फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल रखना चाहिए? अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हम लड़कों के 6 टाइप के फेस शेप्स होते हैं और हर फेस शेप पे अलग अलग टाइप का हेयर कट सूट करता है। लेकिन वहीं अगर आपने अपने फेस शेप को इग्नोर करते हुए हेयर स्टाइल रखा तो आप स्मार्ट दिखने के बजाय बेवकूफ लगोगे। अब आप सोच रहे होगे कि यार मेरे फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको हर एक फेस शेप के अकॉर्डिंग कुछ बेस्ट हेयर स्टाइल्स रेकमेंड करूंगा, जिन्हें मेंटेन करने के बाद आप एक स्मार्ट और हैंडसम मेल की कैटेगरी में आ जाओगे। नंबर 1, राउंड फेस शेप। अब अगर आप में से किसी का भी राउंड फेस शेप है तो आपको साइड से हाई फेड्स वाला हेयर स्टाइल इग्नोर करना है। अब क्योंकि आपका फेस शेप राउंड है तो आपको इस इल्यूजन को क्रिएट करना होगा जिससे आपका फेस ओवल दिखे, और ऐसा करने के लिए आप ऊपर से अपने बालों को मीडियम शॉर्ट करवा सकते हो और साइड से थोड़े मीडियम रख सकते हो, कुछ इस तरह से। साथ ही दोस्तों, अगर आपको साइड से फेड करवाने का मन है तो आपको ट्रिमर से 0 या 1 नंबर का ट्रिम नहीं करवाना है, बल्कि आपको 2 नंबर का ट्रिम करवा के अपने बार्बर से बोलना है कि इसे थोड़ा स्लोप दे दे। इसी के साथ अगर आप और भी डिफरेंट टाइप के हेयर कट कराना चाहते हो तो आप क्विफ और पोम्पाडोर टाइप के हेयर कट करवा सकते हो। ये ना सिर्फ आपके फेशियल फीचर्स को इंक्रीज करेगा बल्कि आपको एक अट्रैक्टिव मेल भी बनाएगा। इसके बाद आता है नंबर 2, ओवल फेस शेप। अब अगर ओवल फेस शेप की बात करूं तो ओवल फेस शेप बहुत ही बैलेंस्ड फेस में से एक फेस शेप होता है। इस फेस शेप पे किसी भी टाइप का हेयर कट अच्छा लगता है। जैसा कि आपने कई सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि वो हर 3-4 हफ्ते में अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हैं। अब ओवल फेस कट के बाद आता है डायमंड, ये वाला नहीं, फेस शेप वाला डायमंड। नंबर 3, डायमंड फेस शेप। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि डायमंड फेस शेप में आपका जो फोरहेड वाला पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है,
और जो आपके चीक्स और चिन वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा शार्प होता है। ऐसे में आपको हमेशा टेक्सचर्ड हेयर स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप किसी भी टाइप के मेसी हेयर स्टाइल को फॉलो करोगे तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस हेयर स्टाइल की हेल्प से आप अपने फोरहेड को कवर अप कर लोगे और आपका फेशियल लुक एक परफेक्ट अल्फा मेल की तरह दिखेगा। अगला फेस शेप है नंबर 4, स्क्वायर फेस शेप। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका फोरहेड और जॉ दोनों ही बिल्कुल सेम दिखते हैं, ऐसे में आप चाहो तो साइड पार्ट हेयर स्टाइल रख सकते हो। ये आपके फेशियल लुक्स पे परफेक्टली सूट करेगा। साथ ही अगर आप वॉल्यूम हेयर स्टाइल को फॉलो करोगे तो वो भी आप पर काफी सूट करेंगे। इसी के साथ आप चाहो तो साइड से अपने बालों को स्लोप दे सकते हो, और स्लोप देते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रिमर पे 0 नंबर का यूज बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपको 1 या 2 नंबर पर ट्रिमर यूज करके साइड से स्लोप दे सकते हो और उसके बाद उसे सीजर से हल्का हल्का कट करवा के अपने अपर हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हो। इसी के साथ अगर लेंथ की बात की जाए तो स्क्वायर फेस शेप वालों को हमेशा मीडियम लेंथ का हेयर स्टाइल फॉलो करना चाहिए। ये हेयर लेंथ आपके फेस पर परफेक्टली सूट करेगी। और हाँ, साथ ही वॉल्यूम हेयर स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको हेयर ड्रायर और हेयर ब्रश की हेल्प से अपने बालों को सेट करना है। ऐसा करने से आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अट्रैक्टिव बन जाएगी। नंबर 5, रेक्टेंगल और ऑब्लॉन्ग फेस शेप। अब दोस्तों इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हैं आप सबके फेवरेट सुपरमैन एके हेनरी कैवल। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि इनका फेस शेप भी ऑब्लॉन्ग है, और इस टाइप के फेस शेप वाले लोगों को हेयर स्टाइल मेंटेन करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका फोरहेड थोड़ा ज्यादा बड़ा और ब्रॉड होता है। लेकिन इन जनाब की बात करें तो ये इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे ऑब्लॉन्ग फेस होने के बावजूद भी आप एक अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग हेयर स्टाइल मेंटेन कर सकते हो। इस फेशियल फीचर वाले लड़कों को चिन साइड पे हैवी बियर्ड नहीं रखनी चाहिए। साथ ही ऑब्लॉन्ग फेस वाले लड़कों को बालों की लेंथ लॉन्ग रखनी चाहिए और बालों को हल्का सा आगे की तरफ झुकाना चाहिए, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। इसी के साथ अगर आप बियर्ड रखना भी चाहते हो तो आपको बहुत ही ट्रिम्ड और परफेक्ट शेप वाली बियर्ड रखनी होगी, क्योंकि अगर आप हैवी बियर्ड रखोगे तो आपका फेस शेप जो कि ऑलरेडी ऑब्लॉन्ग है वो और ज्यादा लॉन्ग दिखेगा, जो कि एक खराब इम्प्रेशन बनाएगा। ऑब्लॉन्ग के अलावा बाकी फेस शेप्स में हम अपने हेयर स्टाइल की हेल्प से एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से हमारा फेस थोड़ा लंबा दिखाई देता है। लेकिन ऑब्लॉन्ग फेस शेप में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, वरना आप कूल नहीं फूल लगोगे। नंबर 6, ट्रायंगल फेस शेप। अब इस फेस शेप में हमारा फोरहेड का जो शेप होता है वो थोड़ा छोटा होता है और हमारा जॉ वाला एरिया थोड़ा लंबा होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इस फेस शेप वाले लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप हेयर कट करवाने जाते हो तो आपको अपने हेयर की अपर लेंथ थोड़ी ज्यादा रखनी है। कहीं गलती से आपने छोटा हेयर कट करवा लिया तो मेरे दोस्त, आपका पोपट होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि शॉर्ट हेयर में आपका फेस बिल्कुल ही पेंसिल शेप का दिखेगा और लोग आपका मजाक उड़ाने लगेंगे। इसी के साथ आपको अपने बियर्ड को प्रॉपर ट्रिम रखना है और अपने हेयर की अपर लेंथ को ड्रायर और हेयर ब्रश से मेंटेन करना है। ये आपको किलर लुक देने में हेल्प करेगा और आपके फेशियल फीचर्स को भी इम्प्रूव करेगा। तो एट लास्ट ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ तो आ ही गया होगा कि लोग आप पर ध्यान क्यों नहीं देते और क्यों आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि आपके बाल और आपका हेयर स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई नहीं करता। और जैसा कि आपने इस वीडियो में सीखा है कि हेयर स्टाइल और टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, तो आप भी अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग जज करके अपना हेयर स्टाइल रख सकते हो और अल्फा मेल पर्सनैलिटी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। साथ ही अगर आप हेयर केयर और हेयर रूटीन के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस टॉपिक पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और हाँ, प्रीमियम फ्रेग्रेंस को अचीव करने के लिए डोंट फॉरगेट टू चेक ला फ्रेंच 4-in-1 ऊद गिफ्ट सेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इसे अपने जिगरी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।